जो संबत जलाने की परंपरा है, तो मैं सोचता हूँ कि क्या है संबत। संबत कई जगह बाबा भी होते हैं, कई जगह माई ये बोल रही हैं जैसे। तो जैसे शक संबत एक है, एक विक्रम संबत है हिंदू कैलेंडर में। शक एक विदेशी शासक थे, उन्होंने आके अपना एक ईयर शुरू किया। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल होली प्रिपरेशन डे टू। और अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा और आप वहां जाकर मेरा प्रीवियस व्लॉग देख सकते हो कि हमने कल क्या क्या प्रेप किया होली के लिए। और आज डे टू है तो आज ऐसी चीजें बन रही हैं जो जल्दी खराब हो जाती हैं, क्योंकि कल ही होली है, कल टाइम नहीं मिलेगा, इसलिए कुछ कुछ चीजें आज ही बन रही हैं। और मैं आपको किचन में लेके चलती हूँ कि क्या चल रहा है आज। एक्चुअली मैं सच में बहुत काम है, मुझे भी आज बहुत काम है। मैं जनरली किचन में नहीं आती, मेरा काम सिर्फ होता है घर साफ करना, बेडशीट बदलना, कर्टन बदलना, कुशंस बदलना, ये सब मेरा काम होता है। तो मैं आज सारा काम खत्म करूंगी आज, क्योंकि कल मैं नहीं करना चाहूंगी। कल तैयार होके सब आएंगे, होली में खाना खाएंगे, हम बातें करेंगे, उसमें मैं चादर तक या नहीं बदलूंगी। बहुत बहुत गर्मी हो रही है बॉम्बे में, और मैं आपको सीधा किचन में लेके चलती हूँ कि वहां पर क्या क्या चल रहा है, और व्लॉग शुरू करते हैं गाइस। तो ये दही वड़े का प्रिपरेशन हो रहा है और मैं आपको कुछ दिखाती हूँ। ये गरिमा आंटी ने कल भिजवाया है, आज सुबह सुबह आया है, देखते हैं इसके अंदर क्या आया है। ओह, स्वीट बेंगल, बूंदी। थैंक यू चाची, मैं बहुत दिनों से बोल रही थी बूंदी के लिए, तो आज फाइनली बूंदी आ गया घर पे ये होली के लिए। होली अभी से शुरू हो चुकी है गाइस, हैप्पी होली। ओके, ये चटनी का पानी अभी भी अभी बॉईल हो रहा है, अभी इसमें गुड़ मिलेगा, गुड़। और किचन के मेस को प्लीज इग्नोर करिएगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा काम चल रहा है तो सामान सब फैला हुआ है। अभी इसको 2-3 घंटा ये ऐसे ही मध्यम आंच पर पकेगा, पक के फिर इसका कलर आएगा और ये गाढ़ा होगा। सो दही वड़े का जो आटा होता है वो मम्मी मिक्सर में पीस के उसको आटा बना दिए, और चटनी के लिए चटनी को गैस पे डाल दिया और वो पक रहा, 2-3 घंटे में चटनी रेडी हो जाएगी। वो दही वड़े के लिए इमली की चटनी है। किचन में कहीं जगह नहीं है, पूरा किचन भरा हुआ है सामान से, तो आप उसको इग्नोर करना, और हम लोग बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं उस पे ध्यान देना। अरे पानी डालो ना हाथ में, पहले चिकन होना चाहिए, हाथ धो बस। खाली थोड़ा सा इसको गोल कर दो, चालू कर दो। धीरे से धीरे से, मैं तो ऑरेंज फूल पड़ जाएगा। हाँ बा, अब धीरे बस हो गया, चल चल धीरे से धीरे से। हमारा देख गोल नहीं हो रहा यार, हो जाएगा उसी पानी। अरे उतना मत करो ना। अच्छा चल डाल धीरे से, ला धीरे से धीरे से धीरे से धर। अरे नहीं हो रहा है, चल भाग। अब छोड़ दे उसको, छोड़ दे उसको। मैंने एक बनाया, दूसरा वाला बन नहीं पाया, बहुत चिकना था, गिर जाता मेरे हाथ पे, हाथ चल जाता। दूसरे टाइम ट्राई कर। चटनी मिली का तैयार हो रहा है, अब हो ही जाएगा आधा घंटा 10 मिनट में, उसको चलाओ वो पक जाए। ये ऐसे ही खाने में बहुत अच्छा लगता है। तो मैं झूठ नहीं बोलूंगी, मुझे दही वड़े बनाने आते नहीं है और ना ही चटनी बनाने आती है, और आज मैं पहली बार उपस्थित हूँ किचन में देखने के लिए पूरा कैसे बनता है। मुझे नहीं मालूम था कि दही वड़ा पानी हाथ में लगा के और ऐसे डालते हैं,
मैं सोचती थी ऐसा गोल गोल कैसे हो जाते हैं, और ऊपर से बीच में होल भी है उसमें। अभी होली का भी खाना बन रहा है, फिर अभी लंच का हो चुका है, ऑलरेडी बन चुका है, और ये कल के लिए सब बन रहा है। कल सुबह उठते ही मालपुआ और पता नहीं क्या क्या बनेगा, पूरी वगैरह कल बनेगा, पर आज जो चीज़ें हम रख सकते हैं फ्रिज में ऑलरेडी, तो वो सब खत्म करेंगे बना के। मुझे बनाने नहीं आता पर मैं बता सकती हूँ मम्मी कैसे बनाई है, क्योंकि मैं सुबह से देख रही हूँ। तो ये उड़द का दाल है जो सुबह भिगो के रखा था, अभी मिक्सर में मिक्स की पीसा, और मम्मी उसको एक एक छोटा छोटा चंक लेके उसमें ये नमक मिला रही है स्वाद अनुसार, कहीं स्वाद ज़्यादा ना हो जाए और ख़राब ना हो जाए। और उसके बाद इसको फ्राई कर रहे हैं, हाथ में पहले पानी लगा के और फिर इसको उठा रहे हैं ताकि वो चिकना हो और हाथ में स्टिक ना हो, और फिर उसमें होल बना के और तेल में जाते हैं, और तेल में से फिर ये बाहर आता है और फिर ये हमारे पेट में जाता है। ये भी लगेगा इसको 30 मिनट्स, ये ऑलमोस्ट मतलब कलर आने लगा है। आज के लिए इतना ही काम है, और इस ये खत्म होने के बाद मेरा सफाई का काम शुरू होगा, क्योंकि अभी मैं साफ नहीं कर सकती क्योंकि किचन में बाहर सब जगह कुछ ना कुछ चल रहा है, तो पूरा फैल रहा है धीरे धीरे। तो मैं सोची ये पूरा पहले कुकिंग खत्म हो जाए फिर मैं सफाई का काम शुरू करूंगी, वरना फिर वो गंदा होता रहेगा ऑल द टाइम। तो मैं सिर्फ वेट कर रही हूँ कि खत्म हो तो मैं मेरा काम शुरू करूँ। कितना गर्मी लग रहा है यार। शायद तो मैं जा रही हूँ बेडशीट बदलने, और भी कुछ काम है, मैं जा रही हूँ वो सब करने के लिए, और शायद मैं आपको थोड़ी देर में मिलती हूँ। मैंने कल मेरे रूम का बेडशीट बदला, मेरे को कवर तकिया नहीं मिल रहा, वो तकिए का कवर नहीं मिल रहा, तो मैं जा रही हूँ ढूंढने के लिए और दूसरे रूम की बेडशीट चेंज करने। नहीं, ग्रीन मेरा फेवरेट कलर है आजकल, तो हर जगह ग्रीन ग्रीन ग्रीन। शादी से एक दिन पहले गुड़वा दबाने के कुछ ने जोग दीजिए क्या घोड़ दबा रहे हैं होली के दिन, होता है ना, हम लोग में बड़ी मतलब डालते हैं। आज भजिया उजिया खूब बनती है, कढ़ी चावल भजिया पकौड़ा बहुत ज्यादा। तो वो हम लोग के पहला बड़ी 5 गो लकड़ी में घूप के वही सम्मत माई को दिया था। तो वो औरत बेचारी हमारी बिहारी के थी, तो वो जुहू में अपना बेटा के साथ तो गई अपना फेंक दिया। जुहू वाले तो बड़ा हाई फाई बच्चन जैसा हाई फाई परिवार, क्या डाली हो क्या डाली हो, पूजा होता है निकालो निकलवा दो। मैं जहाँ तक समझता हूँ, मैंने इस पे कोई शोध तो नहीं किया है, लेकिन मैं जितना समझने की कोशिश करता हूँ कि ये संबत माई किसको बोलते हैं, देखिए गोरा तो हिंदू कैलेंडर में जो ईयर होता है, जो वर्ष होता है, वो कई प्रकार के वर्ष यहाँ भी हिंदू में भी चलते हैं। बहुत लोगों का दिवाली के दूसरे दिन से नया साल शुरू होता है, ज़्यादातर व्यापारी लोगों का, मारवाड़ी लोगों का, वो भाई खाता चेंज करते हैं। और ये जो संबत जलाने की परंपरा है, तो मैं सोचता हूँ कि क्या है संबत, संबत कई जगह बाबा भी होते हैं, कई जगह माइये बोल रही हैं जैसे, तो जैसे शक संबत एक है, एक विक्रम संबत है हिंदू कैलेंडर में। शक एक विदेशी शासक थे, उन्होंने आके अपना एक ईयर शुरू किया, तो उसको शक संवत कहते हैं। और विक्रम संवत को हमको लगता है कि विक्रमादित्य, महाराजा विक्रमादित्य से शायद जोड़ के हो रहा होता होगा। संवत माई और वो जो होलिका दहन जिसको बोलते हैं, वो हमारे भोजपुरी इलाकों में और मिथिला में भी, जैसे मेरी पत्नी मिथिला की हैं, तो वहाँ भी संवत माई या संबत बाबा उसको ऐसे है। मम्मी तू क्या कर रही थी? ये तो पापा का भाई ऐतिहासिक चर्चा के ऊपर, तो अपन गांव के रूल से बता ये क्या होता। हमारा गांव के नहीं तो तोहरे गांव के। दिवाली से एक रात पहले एक कार्यक्रम होता है जिसमें दरिद्र खेदने, वो मैंने दिखाया था व्लॉग में उसी तरह। अगर आपको देखना है ये जो बता रहा है, वो मेरा व्लॉग है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप वहाँ से एक्सेस कर सकते हो। वहाँ पे मैंने प्रॉपर सुबह उठ के और हम लोग क्या क्या करते हैं और कैसे कैसे करते हैं, पूरे दिन का व्लॉग है, एक प्रॉपर व्लॉग है। तो बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है ये, गाँव में होता है, शहरों में तो कोई जानता भी नहीं है। होली से एक दिन पहले जिस दिन होलिका दहन होता है, उस दिन घर की औरतें, घर के सारे बच्चे, मर्द औरत, सबको उपटन लगाया जाता है, और उस मैल को किसी पोटली में बांध करके, और कोई टहनी, हर आदमी का अपना योगदान होता है होलिका दहन में, लकड़ियां ले जाके उसमें डालते हैं ताकि होलिका की लपट ज़्यादा से ज़्यादा ऊपर तक जाए, और उसमें वो मैल जला दिया जाता है जो शरीर से निकलता रहता है। और गाँव में जब होलिका जलती है तो लपट को देखा जाता है, लपट उठती है तो
उसको कुछ विशेषज्ञ टाइप के लोग होते हैं, पंडित या ओझा या ज्योतिषी, उस लपट को देख करके कि ये सीधी जा रही है तो क्या होगा आने वाले वर्ष में, और लपट एक दिशा में अगर मुड़ रही है तो क्या होगा उसका, किस दिशा में, दक्षिण में मुड़ रही है या उत्तर में मुड़ रही है, तो लोग फिर भविष्यवाणी करते हैं कि सूखा पड़ेगा या बाढ़ आएगी या बहुत बारिश होगी या वर्ष अच्छा नहीं जाने वाला है। तो इस तरह की भविष्यवाणी की भी परंपरा है। ग्रामीण परिवेश में चीज़ें होती थी, वो समय के साथ अब धूमिल होती जा रही हैं, ख़त्म होती जा रही हैं। इसको आप चाहे जो कहें, अंधविश्वास, पिछड़ापन, रूढ़िवादी हमें, लेकिन हमारे घर में वो सारे रिचुअल्स किसी न किसी रूप में थोड़ा बहुत ज़रूर जिंदा है। हमारी पत्नी देखिए ये सब कर रही, ये सब दादी हमारी किया करती थी, वो लोग ज़्यादा फॉलो करती थी, बट अभी भी चलती हैं चीज़ें। और अपने रिचुअल्स, अपने कस्टम्स, अपनी परंपरा से जुड़कर रहना कोई बुरी बात नहीं और पिछड़ेपन की निशानी नहीं है। अपनी भाषा, अपनी संस्कृति, क्योंकि जब हम ये भी छोड़ देंगे तो हमारे पास बचेगा क्या? और पैसे आने से हम रिच नहीं होते, हम रिच होते हैं अपने उत्सवों से, अपने पहनावे से, अपनी बोली से, अपनी भाषा से, अपने रीति रिवाजों से, त्योहारों से। हम इसको भी छोड़ देंगे तो हमारे पास कुछ नहीं रहेगा। और उधार के त्यौहार और उधार के रिचुअल्स लेके बहुत दिन हम नहीं अपनी पहचान दुनिया में बनाए रख सकते हैं। जिसने भी उधार की संस्कृति को, बड़ी बात है, बाय शांति भूषण से। अरे तो हम थोड़ा क्रेम का भी तो शॉट लेंगे ना, धीरे धीरे मम्मी। तो अभी उपटन लगा रहे हैं हम लोग, शाम को जाएंगे होलिका दहन में, और हमारे यहाँ ये उपटन जो आग जलता है ना होलिका दहन का, उसमें सब फेंक देते हैं, और उसका मतलब होता है कि घर में जो खराब चीज होता है वो सब चला जाएगा। मैं अभी गई थी शॉपिंग के लिए और ये कुशन लेके आई हूँ, एक ये बाय द वे मैं और भी कुछ लेके आई हूँ, तो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं क्या क्या खरीद के लेके आई आज। मतलब जरूरी नहीं था, पर मुझे लगा कि होली है इसी बहाने ले लेते हैं वरना रह जाएगा। तो मैं कुछ सामान लेके आई हूँ, उसमें है ये बॉल वॉल तो छोड़ो, ये मुझे हमेशा पता नहीं क्यों खरीदना रहता है। ये टेबल रनर है, जब मैं इसे बिछाऊंगी तो मैं दिखाऊंगी। और ये भी, ये ऐसा टेबल रनर और टेबल मैट, आई डोंट नो क्या बोलते हैं इसको, पर ये मैं लेके आई हूँ। एक ये मैचिंग है, ये जो पिलो आप देख रहे हो ये, और जो मैं थ्रो बिछाने वाली हूँ वो भी ग्रीन कलर का है, तो ये मैचिंग हो जाएगा, ग्रीन ग्रीन ग्रीन। और अभी आजकल मेरे घर का थीम चल रहा है ऐसे ग्रीन एंड ब्लू, ग्रीन एंड ब्लू, तो मैं काम शुरू करती हूँ। अरे तो हरा से राजी ना हो बलम जी, अरे तो हरा से राजी ना, कि हमके तीन चीज मंगवा दो बलम जी, झुमका मंगा दा धरती के साड़ी, आकाश के लहंगा, पानी के चोली सिलवा दा बलम जी, पानी के चोली सिलवा दा, झुमके खाली मंगा दा कुछ। अरे सूरज का, सूरज के कजरा, चंद्रमा के टिकुली, अरे तारा का झुलनी गढ़ा दो बलम जी। मम्मी मजाक नहीं, सीरियस। कबीरदास हालांकि उटन उलट बासियां लिखे हैं, लेकिन उन्होंने आधार क्या बनाया है, पति पत्नी के रिश्ते में जो पति की डिमांड होती है, जैसे ये मान रहे झुलनी गढ़ा दीजिए, हमको ये मंगा दीजिए, तो कबीर दास ने इसी डिमांड जो पत्नी पति से करती है, तो ये कितनी बड़ी डिमांड कह रही है पत्नी, कबीर दास ने उसी को बड़ा कर दिया, व्यापक कर दिया, आध्यात्मिक कर दिया है। सही है, मेहराज तुम्हारा समझ की धरती की साड़ी, आकाश के लहंगा, एक एक ये नारी का उस समय कबीर दास ने एक औरत के संसार को जो उसके मन की इच्छा है
उस संसार की व्यापकता को उस औरत के द्वारा कैसे व्यक्त कर रहे हैं कि ये सूती और जॉर्जेट और अमेरिकन और कपड़े और धागे की साड़ी नहीं, धरती की साड़ी, आकाश का लहंगा, मुझे आजादी दो यार, बात के रखते हो तुम मुझे बेड़ियों में, मुझे आजाद करो, धरती के साड़ी, आकाश के लहंगा और पानी की चोली सिलवा दो, मतलब पूरी प्रकृति में हमें भी हिस्सेदारी दो, सब कुछ तो तुमने कब्जा करके रखा है, सारा राज पाट सिंहासन सब तुम्हारे अंडर में है, हमें तुम सोने और के गहने की जंजीरें बना करके और बांध के घरों में रखते हो और 5 मीटर साड़ी में लपेट के रखते हो, यार वो नहीं चाहिए, साड़ी देना है ना धरती की साड़ी दे दो, आसमान दे दो और सूरज का कजरा, ये क्या ले आते हो डिब्बी में काजल, रोशनी का काजल दो हमें, अंधेरे का काजल नहीं चाहिए, तो काजल क्या है अंधेरे कालिख होती है, तो वो कहते हैं कि कालिख नहीं चाहिए हमको, रोशनी मेरी आंखों में पहना दो, मेरी आंखों के सामने जो तुम अंधेरा कर रखे हो घूंघट और पर्दे और दरवाजा बंद और झरोखा बंद में जो अंधेरा कर रखे हो उसे मुझे मुक्ति दिला करके मुझे सूरज का कजरा दो। ओ का हुई कुछ पड़ के का जवानी की, और कुछ ना, सब ठीक है।